हाय गाइस, दिस इज डीआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए सिक्योरिटी गार्ड की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आज हूँ नई जॉब लेके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, जॉब होने वाली सिक्योरिटी गार्ड्स की। गाइस, सिक्योरिटी गार्ड में अभी हम लोगों के पास 12 घंटे का ड्यूटी का जॉब्स है। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है और बहुत अच्छी जॉब्स है। सबसे पहला बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें जो रहता है कि आपको कंपनी के द्वारा रूम की फैसिलिटी फ्री रहती है, नो एनी चार्जेस। रूम फ्री मिलता है। जो रूम आपको फ्री दिया जाता है वो रूम 6 महीना साल भर के बाद में आपको कंपनी पूछा जाता है कि अगर आप चाहे तो इस रूम को या इस घर को या इस रूम को कमरे को आप ले सकते हैं। वो आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्शन करता है, 500, 1000, 2000 जो भी उस कंपनी का या फिर उस कंपनी जो एडवांस दिया है उस रूम का वो आपसे डिडक्शन करती है पूछ के। सेकंड्स, इसमें ये रहता है कि आपकी जो यूनिफॉर्म सेट रहता है यूनिफॉर्म सेट का 2000 रुपीज़ वो लोग डिडक्शन करते हैं, लेकिन वो भी डिडक्शन कैसा रहता है कि आपको पूछ के किया जाता है। हर महीना आप जो है लाइक 500 हुआ 1000 हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डिडक्शन होता है सैलरी से। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपका SIPF चालू होता है। अब रही सैलरी की बात, तो सैलरी मिनिमम 13,000 होता है, मैक्सिमम जो है 14, 14.5, 15,000 रहता है। एक बार और, मिनिमम 13, आप 14, 15 नहीं मान के चले। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि हालांकि इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो है आपका हल्का सा एक इंटरव्यू लिया जाता है उसमें आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। अगर आपने पहले कहीं पर सिक्योरिटी का काम किया तो आपकी सैलरी थोड़ी अच्छी खासी मिलती है इसमें। अब इसमें नो एज लिमिट, कोई भी एज का लिमिट का चलता है, 30, 35, 40, 55 तक कंपनी लेती है इसमें। सेकेंड, नो एनी डिग्री और नो एनी ग्रेजुएशन। आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको किसी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। चाहे आप अनपढ़ है, 10वीं पास है 12वीं पास है तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स ओनली। थर्ड, नो एनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इसमें कोई भी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं रहती है। आप हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयाली कौन सा भी लैंग्वेज रहे तो सभी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इसमें चलती है। तो बहुत सारी बेनिफिट्स के साथ, नो एनी एज लिमिट, नो एनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, नो एनी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ओनली 4 नाइट शिफ्ट में चल रहा है अभी ये, सिर्फ और सिर्फ कंपनी नाइट शिफ्ट में ले रही है कैंडिडेट्स को। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से हैं और करना चाहते हैं ये जॉब तो जल्दी से व्हाट्सएप पे हाय सर आई एम इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके टाइप करके भेज सकता है। इमीडिएट जॉइनिंग रहता है। आप आज कॉल करते हैं, शाम को बुला लिया जाता है, शाम को ही ड्यूटी दिया जाता है आपको। इमीडिएट जॉइनिंग रहता है। सैलरी जो है 13,000 to 15,000 रहती है, मैक्सिमम 15,000, मिनिमम 13,000 सैलरी रहती है। फ्रेंड्स, इसमें आपको खाने की फैसिलिटी का सामान भी दिया जाता है। खाने की फैसिलिटी का सामान बोले तो बर्तन, राशन नहीं दिया जाता, बर्तन दिया जाता है। जो सामान वगैरह उसमें लगता है ना, जो आप चाहे कि अगर हम लोग रूम पे बना के खाएं तो आपका वो सामान भी कंपनी आपको देती है। मतलब कहने का ये कि सारा खर्चा कंपनी का रहता है। आपका यूनिफॉर्म का खर्चा कंपनी लेती है जो हर महीने आपको डिडक्शन करवाती है। आपका रूम की फैसिलिटी भी कंपनी देती है। जो आप चाहेंगे तो आपका हर महीने से जो है सैलरी से डिडक्शन होगा। आपका जो है सामान का, घर का जो है स्टोव जो है बर्तन वगैरह हुआ वो भी कंपनी आपको फ्री में देती है पहले में। उसके बाद धीरे धीरे आपका सैलरी से डिडक्शन होता है अगर आप चाहे तो। गाइस, अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली एक और अच्छी जॉब्स है नाइट शिफ्ट करने वालों के लिए। तो जो जो बंदा कैंडिडेट्स है वो बंदा कमेंट्स करें और कॉल करें। कमेंट्स का मतलब है कि गंदे कमेंट्स नहीं करें मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो कमेंट्स करें, गंदे कमेंट्स कभी ना करें। और पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर जरूर करें। तो गाइस, एक और अच्छी जॉब के साथ हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।